दुरानी साहब, मैं नाम तो बता दिया है, जाबिर फारूक नाम है मेरा और पीटीआई का एक वर्कर हूँ। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग पीटीआई में काम क्यों कर रहे हैं। हम अगर मुल्क से बाहर हैं और फिर अपने मुल्क के लिए हम तड़प रहे हैं। मुझे इस कंट्री में 8 साल हो गए हैं और जब मैं आया था उससे कुछ 3-4 साल पहले हम पोले की जंग खड़े होते थे, इलेक्शन लड़ते थे, भाइयों से लड़ते थे और हमें पता ही नहीं होता था कि हम लड़ क्यों रहे हैं। वोट इसको नहीं देने तो उसको देने हैं, ये अगर उधर है तो हम अगर उधर है। तो मैं तो ऐसा बंदा हूं, मैंने पीटीआई सीखी है, अपनी फैमिली को चेंज कर सकता हूँ। मैं वो बंदा हूं कि घर से निकला था और पीपी का बंदा था और हमें नहीं पता हम पीपी के क्यों थे, लड़ाइयां करते थे और 5 साल के बाद गया हूं तो मैंने घर वालों को कहा कि हाँ आपको पीटीआई में आना है और उनको भी पीटीआई का नहीं पता। और मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं जिसमें पूरे गांव में अगर 25,000 से 30,000 की आबादी है ना तो हमें ढूंढ के 2-3 मेट्रिक बनने मिलते थे, 2-3 ढूंढ के मिलते थे। तो 5 साल के बाद मैंने कहा जी वो पीटीआई ऐसे है तो मुझे बस इधर से गालियां इधर से चुप कर मार खाएगा, किसी ने गालियां नहीं दिया। मैंने कहा चले ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वही वालदैन वही मोहल्ले वाले हान साहब के धरने के दौरान मुझे उधर से टालने आ जाती थी कि हाँ हमने आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने कहा मैं लंदन हूं, मेरी पार्टी किधर से है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों भाइयों बहनों हम एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं, इसमें किसी की कोई पर्सनल रीजन नहीं है। अगर हमारे टीम में इवन कोई गलती करता है तो गलती हो सकती है, किसी को कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकता है। कुछ लोग इवन मुझसे भी बात कर रहे थे कि हाँ ये शायद इस वजह से नहीं किया गया आप इलेक्शन के लिए आ रहे हैं। अगर इस वजह से भी हो